हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में, ये नीरज चोपड़ा जी का इसमें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फोटो। इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है जेवलिन थ्रो में, ओलंपिक में। तो बहुत गर्व की बात है देश के लिए। और आप भी मेहनत करते रहिए, और जिस क्षेत्र में भी है मेहनत कीजिए आप, और ऐसे ही आप भी नाम रोशन कीजिए। तो हम भी ये कभी बचपन में, हम भी जब थे 11-12 में, तो ऐसे हम भी थ्रो किया करते थे स्कूल में। ये था हमारे स्कूल में और हम भी ये किए हुए थे, लेकिन हम ये एज ए प्रोफेशन यूज नहीं किए हैं। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता है, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि ये 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करेंगे ना, 45 डिग्री पे, तो मैक्सिमम रेंज आएगा आपका। मैक्सिमम रेंज मतलब गोल्ड मेडल आपको चाहिए तो 45 डिग्री पे, थोड़ा सा भी कम या ज्यादा हुआ 45 तो आपका रेंज नहीं आएगा। तो ये 45 होना जरूरी है रेंज मैक्सिमम के लिए। तो रेंज का फॉर्मूला भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, U²sin²θ/g। अब इस थीटा में आपके बस में क्या है, थीटा है, एक तो यू भी है, लेकिन यू के साथ साथ थीटा भी है। यू आप में जितना जोर है आप लगा लीजिए, कितना भी फोर्स लगा लीजिए ऐसे फोर्स, लेकिन अगर आपने थीटा ओरिएंट नहीं किया 45 डिग्री पे, तो ये 45 होने पे ही sin²(2×45), 45×2 90 हो जाएगा, और sin 90 का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो ये रेंज मैक्सिमम कब आएगा, जब ये तो आपकी एबिलिटी है, आप कितना जोर से थ्रो कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल आपके दिमाग पे डिपेंड कर रहा है, कितना आप एंगल रखते हैं। 45 रख लेंगे ना, तो ये मैक्सिमम कर देगा आपके वैल्यू को, राइट। लेकिन अगर आप 15 डिग्री पे थ्रो कर दिए, आप मान लीजिए कितना भी जोर लगा लिए 15 डिग्री पे कर दिए, तो ये 15×2 30 और sin 30 ½ हो जाएगा। तो ये क्या कर लेगा, आपका रेंज को आधा कर देगा। तो जाना चाहिए था यहाँ और गिर जाएगा, ये रुक जाएगा, आधा रेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपने देखा। तो इस आज के क्लास में हम लोग इसी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सारे फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं, कि ये सब फॉर्मूला आया कैसे, ये आखिर कितनी देर तक ये हवा में रहता है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, जितनी देर तक ये एयर में रहता है, और जितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पे जाता है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, और जितने टाइम में वो नीचे आता है उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, इधर नीचे आ रहा है तो टाइम ऑफ डिसेंट, और ये नीचे से ऊपर गया है तो टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। उसके अलावा ये कर्व का इक्वेशन क्या होता है, इसको ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, इस कर्व को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, और इसका इक्वेशन भी हम लोग डिराइव करेंगे, और एकदम बहुत ही आसान तरीके से डिराइव करेंगे ये इक्वेशन। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इससे रिलेटेड सारे टर्म्स को हम पढ़ते हैं, कि ये कितनी देर तक हवा में रहता होगा, ये भाला कितनी देर तक हवा में रहता होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर कितने स्पीड से थ्रो करेंगे तो कितने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, इससे रिलेटेड सारे टर्म्स को आइए हम एक एक करके यहाँ पे डिराइव करते हैं सारे फॉर्मूला को। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आज बात करने वाले हैं हम लोग। तो जेवलिन थ्रो में आप देखे होंगे कि नीरज चोपड़ा जी लाए हैं हमारे गोल्ड मेडल, तो उसी के थ्रू हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन आज समझने जा रहे हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है, 2 डायमेंशनल मोशन है। तो एक ऑब्जेक्ट को, जैसे इसी भाला को ही मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, यहाँ ऐसे, राइट। तो यहां से आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया, कितना एंगल बनाकर किया सर, थीटा एंगल। तो ये जो पाथ लेगा, ये आगे किस पाथ को फॉलो करेगा, तो ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ को ऐसे फॉलो करने वाला है, राइट। ये ऐसे जाएगा, कुछ मैक्सिमम हाइट पे आएगा यहाँ पे, इस हाइट को बोलते हैं एच मैक्स, और जितने भी डिस्टेंस पे जाएगा इस डिस्टेंस को रेंज बोला जाता है, रेंज। और जितने टाइम के लिए ये एयर में रहता है ना, जितने टाइम के लिए एयर में रहेगा उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट में जाने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ से इधर जाने को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। तो ये इस पाथ को ऐसे फॉलो करने वाला है। यहाँ से अगर किसी पर्सन ने इसे थ्रो किया है तो, राइट, ये ऐसे थ्रो किया है किसी पर्सन ने इस एंगल पे, थीटा एंगल पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है इस एंगल पे। तो ये जैसा 2 डायमेंशनल मोशन है, जैसा मैंने आपको बताया, तो इसे स्प्लिट, हमेशा 2 डायमेंशनल मोशन को कैसे सॉल्व करना है, उसको स्प्लिट कर लेना है एक्स में और वाई में।
तो मैं इधर x के लिए अलग सॉल्व करूंगा और y के लिए अलग करूंगा। तो x के लिए और y के लिए देखिए इनिशियल वेलोसिटी बता दीजिए क्या है। अगर ये u है तो इसकी x कंपोनेंट होगी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा होगा। तो ये अगर ये u है तो इसकी x कंपोनेंट होगी u cos थीटा, जिधर एंगल बनाता है उधर cos, और दूसरी तरफ क्या हो जाता है u sin थीटा। मतलब ये ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। देखिए अभी यहाँ पे था, इसका टिप यहाँ पे था, अभी फिर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब y में हाइट भी बढ़ रहा है, अभी इतने लेवल में था अभी इतने लेवल में हाइट आ गया है, और इसका x भी चेंज हो रहा है, अभी यहाँ था बाद में जब यहाँ आ जाएगा तो x भी देखिए आगे बढ़ रहा है। तो क्या इसका x और y दोनों चेंज कर रहा है? बिल्कुल सर, दोनों चेंज कर रहा है इसका। तो दोनों के लिए अलग अलग हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन नीचे ही लग रहा है वाई में। ये कहीं भी है, ये यहाँ भी है तो जी नीचे ही लग रहा है, यहाँ भी है तो जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये कहीं भी है, किसी भी पोजिशन पे है, मैं देखिए ऐसे प्रो करके दिखा रहा हूँ ऐसे, क्या ग्रेविटी उसको नीचे ही पुल कर रही है? बिल्कुल। तो एक्स डायरेक्शन में कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी है और वो हमेशा डाउनवर्ड है। जी हमेशा किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड है इसके लिए, राइट। और एक्स में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं एक्स में। तो अब इसमें किसी भी टाइम पे मैं पूछूं कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या मुझे लिखना चाहिए? जितना इसकी वेलोसिटी है यू कॉस थीटा इंटू जितने टाइम में ये यहाँ पे गिरा होगा वो टाइम मैं पुट करूंगा, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो ये टाइम मैं पुट करना हो, फिर आगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि इधर एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो हाफ ए टी स्क्वायर लिखने की बात ही नहीं है। तो ये जो x देगा क्या यही मेरा रेंज होगा अगर मैं पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करूं? तो टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करने के लिए कैसे टाइम फाइंड करेंगे? तो उसमें y का हेल्प लेना पड़ेगा मुझे। y एक्सिस में y डायरेक्शन के लिए मैं इक्वेशन अगर लिखूंगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s कितना हो जाएगा देख लीजिए एक बार आप। एस जब यहाँ से ये वापस ग्राउंड पे आएगा तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ भी जीरो है, यहाँ तो एक्स वाई जीरो दोनों है, लेकिन यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट रेंज के इक्वल आ जाएगा जितना डिस्टेंस होगा, और वाई कोऑर्डिनेट वापस जीरो हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड पे था वापस ग्राउंड पे ही आ गया, तो वाई कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं आया। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में किधर था? तो अपवर्ड था, यू साइन थीटा, u sin theta in upward direction, and I have taken here sine convention positive in upward direction. t मुझे पता करना है कितने टाइम में यहाँ आया है, ये t पता नहीं है मुझे, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू मैं माइनस जी लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव मैंने लिया था अपवर्ड को, तो डाउनवर्ड को मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा और टी स्क्वायर हो गया ये। अब ये जीरो है तो ये इधर से इस साइड में मैं लाऊंगा इसे तो क्या हो जाएगा एक बार देखिए, बताइए मुझे, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी। अब इस टी से एक टी को मैं अगर कैंसिल कर दूं, ऐसे क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू मिलेगा टी का, एक तो खुद यही मिल जाएगा जीरो और दूसरा वैल्यू मुझे टी इक्वल टू यहाँ पे टी एक आ गया ना, ये टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर टू यू साइन थीटा, टू यू साइन थीटा और ये जी डिवाइड हो जाएगा अपॉन जी। ये तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए डिराइव हो गया यहाँ पे। इतने टाइम तक ये एयर में रहता है, मतलब अगर आप इसको यू स्पीड से थ्रो किए ना, यू स्पीड से थीटा एंगल बनाकर, तो ये एयर में कितने टाइम तक रहेगा उसका ये फॉर्मूला है। अब एयर में जितने टाइम तक रहा है उतने देर में कुछ एक्स ट्रेवल कर लिया है, उसी को रेंज बोलना है मुझे। तो रेंज कितना आ जाएगा u cos थीटा और t यहाँ से पुट करिए, जितना भी टाइम है यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं अगर, टू यू साइन थीटा बाय जी। अब ये कितना आ जाएगा देखिए फाइनल आंसर इसका, u cos थीटा और u साइन थीटा, इसमें u और u u स्क्वायर हो जाएगा, cos 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन ये g रह गया यहाँ पे, यही तो रेंज का फॉर्मूला होता है। तो देखा आपने कितना इजी वे में हम लोग रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों फाइंड कर लिए। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे r इक्वल टू रेंज का फॉर्मूला मेरा आ गया है u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g, रेंज का फॉर्मूला आया ना।
अब ये एच मैक्स चलिए फाइंड करते हैं कि कितना मैक्सिमम हाइट वो गया होगा, कितने मैक्सिमम हाइट तक वो ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया होगा अपना। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना है, इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा स्क्रीन को पॉज करके। हाइट वाई डायरेक्शन वाला देखिए, ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट है ये सर, तो आधे टाइम में है, देखिए टाइम ऑफ एसेंट में है। तो टाइम ऑफ एसेंट में मैं अगर हाइट के लिए इक्वेशन लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मैं लिख दूं। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन ये तो मुझे पता करना है ये कितना है, यही मेरा एच मैक्स होगा है कि नहीं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा। और टाइम देखिए, टाइम मुझे क्या लिखना है, पूरा टाइम नहीं लिखना है, पूरा टाइम लिखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, खाली आधा टाइम लिखना है, टाइम ऑफ एसेंट। तो टू यू साइन थीटा बाई जी है, इसका आधा टाइम लिख दीजिए यू साइन थीटा बाई जी, हो गया कि टू यू साइन थीटा का आधा हो गया यू साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ, इसका वैल्यू मुझे माइनस जी लिखना चाहिए, माइनस जी। और टी स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, तो एक जी से ये कैंसिल हो जाएगा ये जी, राइट। ऐसा करते ही आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको एच मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये आ जाएगा एच मैक्स का वैल्यू। तो देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और एच मैक्स ये तीनों डिराइव कर लिया। अब सबसे लास्ट इसका डेरिवेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री, मतलब ये जो कर्व ये पाथ को ट्रैजेक्ट्री बोला जाता है, और इसका इक्वेशन हम लोग को डिराइव करना है कि ये कैसे इक्वेशन बनेगा, है कि नहीं। तो इक्वेशन किसी भी कर्व का इक्वेशन बनाने का क्या मतलब होता है कि उसमें वाई और एक्स को रिलेट करना, मतलब कोई भी पॉइंट इस पे ले लेता हूं मैं एक्स और वाई, तो एक ऐसा इक्वेशन बनाना जिसमें इसके पॉइंट्स को मैं पुट करूं तो उसको सेटिस्फाई करे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाए, ऐसा मुझे एक्स और वाई में रिलेशन बताना है। तो एक्स इक्वल टू किसी भी इंस्टेंट पे, एक्स का फॉर्मूला क्या है बताइए, एक्स इक्वल टू था यू कॉस थीटा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और इनटू टी, यही तो था किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं लिखना चाहूं तो एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी था, तो इससे टी इक्वल टू कितना मिल रहा है मुझे, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इसको इक्वेशन वन मान लेना है आपको। अब इसमें t और x है, मुझे x और y में रिलेशन चाहिए, t उसमें से एलिमिनेट करना है मुझे, t नहीं रहना चाहिए उसमें, तब बोला जाएगा कि उस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है वो। अब y के लिए देखिए, यही मैं लिख रहा हूँ y डायरेक्शन के लिए, किसी भी इंस्टेंट पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, इस पाथ पे कोई भी y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट होगा इनिशियल वेलोसिटी का वाई कम्पोनेंट टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन का वाई कम्पोनेंट टी स्क्वायर। तो y यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है x कंपोनेंट u cos थीटा, और y कंपोनेंट कितना है u sin थीटा, y कंपोनेंट u sin थीटा। अब t इक्वल टू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पुट कर देना है, टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे यहाँ आ जाएगा वो प्रोजेक्टाइल, किसी भी पोजिशन में आर्बिट्रेरी पोजिशन का मुझे पुट करना है, तो किसी भी पोजिशन पे t को मैं ये लिख सकता हूँ x बाई यू cos थीटा। तो बस आपको इसी t को यहाँ से ले जाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है इन दोनों जगह पे, और आपका इक्वेशन आ जाएगा u sin थीटा, और t कितना में मुझे लिखना है x अपॉन u cos थीटा प्लस हाफ, क्या मुझे इसको माइनस जी लिखना चाहिए, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और t स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर बताइए u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए बस आ गया आपका इसी लाइन में इक्वेशन, यू U और U कैंसिल हो गया, ये इसको मैं नहीं लिखूंगा, और साइन बाई कॉस होता है टेन, तो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो देखा अपने कितनी आसानी से हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया, किसका किसका डिराइव किया फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, रेंज का फॉर्मूला कितना था यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था टू यू साइन
थीटा बाई जी, और एक और था याद कीजिए क्या, एच मैक्स कितने हाइट तक हो गया था, तो इसका वैल्यू था, एच मैक्स का वैल्यू था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। आपको भी ये सब फॉर्मूला 1, 2, 3, 4 ये 4 फॉर्मूला आपको भी ऐसे ही याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है कि नहीं। ये सारे फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपके न्यूमेरिकल आसानी से बनेंगे। अब ये नीरज जी जो थे इसको कितने एंगल पे थ्रो किए होंगे या उनको कितने एंगल पे थ्रो करना चाहिए कि वो मैक्सिमम रेंज कवर करे, सबसे ज्यादा यहाँ पे आ जाए, तब तो गोल्ड मेडल मिलेगा। तो आप भी कभी ये ट्राई करें तो कितने एंगल पे आपको इसको थ्रो करना चाहिए। तो मेरा इसमें क्या है मोटिव कि मेरा ये आर मैक्सिमम आना चाहिए, राइट। ये एयर में कितने टाइम के लिए है उससे कोई मतलब नहीं है, कितना हाइट गया है उससे मतलब नहीं है, वो डिस्टेंस कितना कवर किया है सबसे ज्यादा वो मतलब है। तो इसको मैक्सिमम रखना है। तो ये तो आपकी एबिलिटी है कि आप कितना थ्रो कर सकते हैं, और ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने एंगल पे रखते हैं। देखिए तो अगर मैं इस थीटा को देखिए 45 डिग्री रख दूं, 45 तो 45 इंटू 2 क्या हो जाता है 90, और साइन 90 मैक्सिमम होता है 1, तो साइन 90 ये एंगल अगर 45 आप रखेंगे ना तो ये सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, सबसे ज्यादा दूर। मतलब आर मैक्स के लिए क्या चाहिए, थीटा 45 चाहिए आर मैक्स के लिए, तब मैक्सिमम रेंज कवर करता है। तो समझ गए ना। तो आप भी जब भी कभी किसी के साथ चैलेंज लगाएं कि कौन कितना ज्यादा दूर तक बॉल फेंक सकता है, तो क्या ट्राई करना है, 45 डिग्री पे इसको रखकर थ्रो करने की कोशिश करनी है आपको। समझ गया कि नहीं। अब इन सारे फॉर्मूलों पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएगा। आप जस्ट इन फॉर्मूला को याद कर लीजिए और क्वेश्चन इस पे सॉल्व कीजिए। और आने वाले वीडियो में हम लोग ये रिलेटिव प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन भी करेंगे, या प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट करेंगे कि एक टावर के हाइट से अगर थ्रो किए, किसी एंगल पे थ्रो किए, हॉरिजॉन्टल थ्रो किए, नीचे ऐसे थ्रो किए एंगल बना के, तो क्या होगा। और एक प्रोजेक्टाइल अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो उसका पाथ कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि प्रोजेक्टाइल ही होगा, ये सब भी हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So if you like this video, please share it with your friend and also subscribe this channel. Okay, everyone, thank you very much.